अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जेके बोपी 12th बेस्ट पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में, जिसमें हमारा जीएनएम आता है, एएनएम आता है, एमआरटी आता है और उसके साथ साथ पैरामेडिकल के डिप्लोमा कोर्सेज आते हैं, जैसे ऑपरेशन थिएटर है, एनएससीसी टेक्नीशियन है या एमएलटी वगैरह है। तो इन कोर्सेज के बारे में हम इस वीडियो में देख लेंगे कि उनकी काउंसलिंग कब तक स्टार्ट हो जाएगी और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट उसमें जो मेरिट लिस्ट आपकी होती है वो यहाँ पे कब तक आ जाएगी, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते और देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोपी 12th बेस्ट पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में। तो देखिए, इससे पहले आपने देखा होगा कि जेके बोपी ने जीएनएम लेटरल एंट्री के जो कैंडिडेट थे उनका एंट्रेंस कंडक्ट किया, तो उसमें एंट्रेंस कल उनका कंडक्ट हुआ, उनका रिजल्ट भी यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके बाद उनके सिलेक्शन जो होगी वो एंट्रेंस के स्कोर पर होगी। तो हालांकि पेपर जो वो काफ़ी ज़्यादा ईजी आया था, तो अभी हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे आपकी 12th बेस्ट डिप्लोमा कोर्सेज की मेरिट लिस्ट के बारे में। तो देखिए, आपने देखा होगा 5 जुलाई तक आपको टाइम दिया गया था, जिन कैंडिडेट्स का रिजल्ट अवेटिंग में था उनको वहाँ पर अपनी मार्कशीट और मार्क्स वहाँ पर मैंशन करने थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या मैथमेटिक्स के मार्क्स आपको वहाँ पे मेंशन करने थे। क्यों करने थे? क्योंकि एक तो उससे क्लियर हो जाएगा कौन कैंडिडेट पास है तो वही एलिजिबल होगा, और कौन किस कैंडिडेट की अगर रेपियर वगैरह तो वो एलिजिबल वहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक। और मार्क्स जब उनके पास आपके होंगे तो वो उसी हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पे तैयार कर लेंगे। अब मेरिट लिस्ट में बनने में कितना टाइम लगेगा, देखिए यूजुअली तो मेरिट लिस्ट बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन जेके बोपी की जो प्रोसेस होती है ये काफ़ी ज़्यादा वीक प्रोसेस होती है और काफ़ी ज़्यादा डिले ये प्रोसेस को करते हैं। ये मेरिट लिस्ट को रिलीज़ करने में भी लगभग 1 महीने तक, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने तक का यहाँ पर टाइम लगा ही लेते हैं, ठीक। ऐसा नहीं कि 3 या 4 दिनों में ये आपके मेरिट लिस्ट जारी करेंगे, तो इनको यहाँ पर टाइम काफ़ी ज़्यादा इसमें लगता है। तो लगभग 20-25 दिन तो ये नॉर्मली मिनिमम इसमें लगा लेते हैं, आफ्टर दैट आपकी ये मेरिट लिस्ट जारी करते हैं। तो आप मान के चलिए जुलाई के एंड तक यहाँ पे आपकी मेरिट लिस्ट आने के चांसेस हैं, यानी कि 25 जुलाई के बाद यहाँ पे आपकी मेरिट लिस्ट आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, या वो अभी रिसेंटली जो है वो कुछ ही दिनों बाद ये अभी जारी करेंगे इसका बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट, मे बी उसके साथ भी ये जारी कर सकते हैं। लेकिन आप मान के चलिए ऐसे कि 20-25 जुलाई के आसपास यहाँ पे आपके मेरिट लिस्ट आने के चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि अगर आप पिछले सालों का भी रिकॉर्ड इनका देख लोगे तो ये प्रोसेस को करने में काफ़ी ज़्यादा डिले लगा लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा टाइम ये यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक। इसलिए 1 या 2 दिन में आपकी मेरिट लिस्ट आने की यहाँ पे कोई भी चांसेस नहीं है और कोई भी गुंजाइश नहीं है कि 2 दिन 3 दिन में आपकी मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। तो जब मेरिट लिस्ट आपकी आ जाएगी, आफ्टर दैट आपको पता चलेगी कि आपकी रैंक कितनी है, आपका जो है वो और उसमें रोल नंबर सॉरी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, नाम होगा, पैरेंटेज वगैरह होगी, डेफिशिएंसीज अगर कोई है वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो उसके बाद यहाँ पे आपकी काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो काउंसलिंग आपका पहला राउंड 10 दिन तक चलेगा, दूसरा राउंड फिर से 10 दिन तक चलेगा। तो काउंसलिंग आप मान के चलिए कि जुलाई में आपकी यहाँ पे काउंसलिंग हो जाए, सॉरी जुलाई नहीं, अगस्त में आपकी काउंसलिंग यहाँ पे हो जाएगी। काउंसलिंग में 20-25 दिन लग जाते हैं, तो 1-2 राउंड करने में जितने राउंड इनको करने होंगे, वैसे 1 राउंड 10 दिन में कंप्लीट होता है, 8 या 10 दिन तक ये राउंड चलाते रहते हैं। तो उसमें क्या होगा कि एक बार अगर आपने काउंसलिंग के लिए 1000 फी पे करी तो आपको दोबारा उसके लिए फी पे करने कि कोई भी जरूरत नहीं, जैसे पहले राउंड में आपने फी पे की, अब आपको दूसरे राउंड में भी जाना है तो उसके लिए आपको दोबारा से फी पे करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको फी जो है वो एक ही बार यहाँ पे देनी होती है, एक बार आपने सबमिट करी 1000 तो बस दोबारा आपको यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। तो मान के चलिए आप काउंसलिंग की टेंटेटिव डेट आप जुलाई तक मान के चलिए, और मेरिट लिस्ट आने की जो टाइमिंग है वो आपको 20-25 जुलाई के बाद आ जाएगी, और काउंसलिंग आपकी जो है वो यहाँ पे अगस्त के महीने में यहाँ पे स्टार्ट होने के चांसेस हैं। बाकी जब कोई अपडेट आ जाएगा मैं आपको बताऊंगा। आप जेके बोपी की वेबसाइट रेगुलरली चेक करते रहिए और हमारे साथ भी जुड़े रहिए, यूट्यूब पर भी, टेलीग्राम पे भी, सारी अपडेट्स हम आपको टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे। तो फिलहाल वीडियो को हम यहीं पे खत्म कर लेंगे, कोई डाउट कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में पूछ